जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव निर्वाचन नामावली के संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सदन हॉल में वर्तमान पार्षद एवं पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान पार्षद और जो पार्षद प्रत्याशियों के साथ निर्वाचन नामावली पर बैठक की गई है, अगर किसी को नामावली को लेकर शिकायत है और सुझाव है तो उसको सुझाव के माध्यम से मतदाता सूची को संबंधित कार्यालय में आकर पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत और सुझाव दे सकता है। उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे अपील है कि एक पेज पर 100 लोगों का नाम रहेगा और एक मतदाता पर एक पैसा खर्च करना होगा। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाने में सहयोग करें। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, होगा 18 नवंबर को, तब हो सकता है निशुल्क प्रतियों का आदेश आ जाए। एक मतदाता सूची यदि हम लोगों ने दी, एक 31 को आ जाएगी। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरा मतलब उनसे पुरजोर अपील है, एक पेज पे 100 लोगों का नाम है, एक मतदाता पर एक पैसा खर्च करना है आपको, ठीक है? तो आप 2-3 सेट 31 तारीख को, 1 तारीख को जब भी वो ड्राफ्ट आ जाएगा, आप 2-3 सेट जरूर परचेज कर लीजिएगा। वो हमारी ड्राफ्ट होगी, 2 सेट मिनिमम ले लीजिएगा और अभी वाली फिर नष्ट कर दीजिएगा, नहीं तो मार्केट में कंफ्यूजन रहेगा। अभी जो हम ड्राफ्ट प्रकाशित करेंगे उनका बूथ का क्रमांक भी बदल जाएगा। अभी हमारे बूथ 802 है, बूथों की संख्या बढ़ेगी। अभी हमें मान के चल रहे हैं कि 5 वर्षों में लगभग 8-10% मतदाता बढ़ेंगे और लगभग 4% मतदाता घटेंगे। डिलीशन पर मेरा केवल यही अनुरोध है कि सामान्य तौर पे ये निर्देशित रहता है कि चुनावी वर्ष में न्यूनतम डिलीशन हो, ठीक है? तो डिलीशन पर आप केवल उनका जोड़ दें जिनकी मृत्यु के बारे में आपको एकदम स्पष्ट हो जाए, या ये हो जाए कि जिस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है, अगर वो मतदाता सूची में है उसका नाम आसानी से डिलीट हो जाएगा और वो वोट देने भी नहीं आएगा। हमारे लाख अपील और लाख प्रयास के बाद भी हमारी जो मतदाता सूची है उसमें बोगस वोटर्स की संख्या काफी रहती है। उनको लगता है कि हम लोग मना कर रहे हैं या सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात का लगातार डर है कि हमारी मतदाता सूची सूचिता बन मतदाता आता है वोट डालने के लिए, अनावश्यक लॉन्ग ऑर्डर क्रिएट होगा, लोग घेरेंगे कि साहब आप बस से आ रहे हैं इसका मतलब कि आप यहाँ के नहीं है। केस यही है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से दिसंबर क्रॉस कर जाए। एक मोटा मोटा आपको जो लोग भी कहे कि 18 नवंबर को जो मतदाता सूची हमारा अंतिम प्रकाशन होगा उसी के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? एकदम उसी के आसपास आ जाएगा, या तो 15 लोग। मेरा अनुमान ये है कि एक वार्ड में 10-15 लोग नामांकन करेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मोटा मोटा 10-15 लोग नामांकन करेंगे। तो सब में ऐसा करेंगे कि 5 पकौड़ा एक साइड में लगा देंगे, 5 एक साइड में लगा देंगे और 6 आपके स्टैंड में लगा देंगे, कहीं ना कहीं बाहर कार्यालय बना लें, ठीक है? जहां पे भी आप लोग बना सकें, पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यालय में कर सकती है। लोगों को फॉर्म भरना सिखाएं, 5,000-2,000-3,000 जो भी होगा आपका एक सिक्योरिटी का होगा, दूसरा आपको यहाँ का मतदाता होना होगा। दो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अरे पार्षद जी को ऐसे उल्टा सीधा बताते रहो, तुमने नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और डिप्टी डीओ हूं, जो अभी नगर निगम का निर्वाचन होगा, जो नगर पंचायतों का निर्वाचन होगा। तो आज अभी हमने नगर निगम सभागार में जो हमारे माननीय पार्षदगण हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनकी बैठक आहूत की थी निर्वाचक नामावली पर,
कि अगर किसी का कोई ग्रीवांस है, किसी की कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, तो यथासंभव उसका हम सलूशन दें और मतदाता सूची को सुचिता के उच्चतम बिंदु तक ले जाएं। परिसर को लेकर काफ़ी दिक्कत है जी? परिसर नहीं, दिक्कतें ज़्यादा नहीं हैं। लोगों को मतदाता सूची देखना होगा और जैसा वो लोग हम लोग उसको बताया जाएगा वैसा उसको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं।